गाइस बोलूं। हे गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे आप सब, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए मैं बना रही हूँ, ये देखिए दिख रहा है, दिख रहा है। तो गाइस आप लोगों ने तो गेस कर ही लिया होगा। और आप लोग को ऐसा क्यों लग रहा है, मतलब आप लोग को तो ऐसा जरूर लगा होगा कि आज मैंने कुछ अलग टाइप से आप लोग का वेलकम किया है। एक बार फिर से करती हूँ, ठीक है। हे गाइस वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। मैं हूँ आपकी नौटंकी निशु तिवारी। आप सबका स्वागत है हमारे न्यू व्लॉग में। सो गाइस अब शायद आप लोग को पता चल गया होगा, ये मैंने निशु तिवारी सॉरी निशु दीदी को कॉपी किया है और उनका यूट्यूब पे चैनल भी है और आई थिंक आप लोग को पता भी होगा। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका वीडियोस, प्रैंक्स वीडियोस या फिर ब्लॉग, सब कुछ अच्छा लगता है। मैं उनका देखती हूँ और चैलेंजेस सारे अच्छे लगते हैं उनके लिए। आज क्या बना है? और आज उनका बर्थडे है गाइस, आज 2 जुलाई आज उनका बर्थडे है। तो मैं उनके लिए बना रही हूँ राजमा चावल। आज मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ राजमा चावल, देखते हैं कैसा बनता है। सॉरी निशु दीदी अगर आप वीडियो देखें, मैं कह नहीं रही हूँ शायद ही देखेंगे आप, अगर देखें और अच्छा लगे वीडियो को तो प्लीज एक कमेंट कर दीजिएगा हैप्पी बर्थडे का थैंक यू। और अगर अच्छा लगा राजमा चावल, मतलब मुझे नहीं पता उनको राजमा चावल पसंद है नहीं, और मुझे ऐसा लगता है जरूरी पसंद होगा क्योंकि वो भी तो इंडियन ही है और इंडियंस को राजमा चावल पसंद ना हो ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ यूनिक बनाया जाए। और ये देखिए गाइस मैंने इधर पूरियां बनाई है और ये यही रखा है अभी तक, इधर रख देती हूँ। और मैं इसे प्याज को ब्राउन करने तक भून लूंगी। दो तीन चार पाँच छह मसालों को डाल देती हूँ मैं इसमें। कितना सुंदर लग रहा है कलरफुल। और गाइस जब ये बनकर रेडी हो जाएगा ना तो मैं इसमें चाट मसाला मिक्स करूंगी। तो गाइस मैंने इसमें टमाटर डाल दिया और मुझे लग रहा है कि शायद ये जल चुका है प्याज। नहीं जला उतने बस नहीं नहीं थोड़ा सा और। तो गाइस ये फाइनली हो चुका है और अब मैं इसे उतार लूंगी। अटो 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 मैं इस राज में बना दूंगी वहां पे। और ये जो भी है गाइस इसको ये जो मैंने मसाला तैयार किया है इसमें डाल दूंगी। मैं बिल्कुल सिंपल सा बना रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे उतना मतलब है भी नहीं, मतलब उतना मुझे आता नहीं, आता ही नहीं है सच्ची में। तो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं कैसा बनेगा। ये मैंने पहले ही 6-7 सीटी लगाकर और इसको वो कर लिया था और अब मैं गाइस अब मैं इसे ढक देती हूँ और लो फ्लेम पे सीटी लगा दूंगी, मतलब मीडियम। सो गाइस फाइनली मेरा राजमा चावल रेडी हो चुका है। और ये देखिए राजमा की मैंने ऐसा बनाया, पता नहीं कैसा होता है, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसा बनता है। और ये रहा चावल, मैंने नॉर्मल चावल बनाया और ये पूरियां बनाई थी मैंने ब्रेकफास्ट में। सो ये रेडी हो चुका है और निशु दी ये थाली आपके नाम की।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।